2019 के फाइनल मुकाबले में मुंबई के बल्लेबाज किरण पोलार्ड ने जहां अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता, वहीं अपनी हरकत से उन्होंने एक विवाद को जन्म दिया। बीच मैदान पर किए जाए हरकत से नाराज अंपायर ने उन्हें नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। मुंबई की बल्लेबाजी के दौरान आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर वाइड न देने पर पोलार नाराज हो गए। ड्वेन ब्रावो ने गेंद फेंकने से पहले पोलार लेग स्टंप पर आ खड़े हुए। ब्रावो ने गेंद और बाहर फेंक दी। ये गेंद क्रीज बॉक्स पर बाहर पिच हुई। नियमों के मुताबिक वाइड करा दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोलार्ड इससे नाराज हुए लेकिन कहा कुछ नहीं। ब्रावो जब अगली गेंद फेंकने आए तो पोलार्ड ऑफ स्टंप के बहुत बाहर खड़े हो गए। ब्रावो रनअप भाग रहे थे, उसी दौरान पोलार्ड ऑफ स्टंप से बाहर बढ़ते चले गए और यहां तक पिच एरिया के बाहर निकल गए। पोलार्ड की इस हरकत को दोनों अंपायर ने खेल भावना नियमों के विरुद्ध पाया। पोलार्ड को बुलाया गया और काफी देर तक उनसे बातचीत की गई। इसके पहले पोलार्ड ने हवा में बल्ला उछाल दिया था। मैच के बाद पोलार्ड को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल के तहत दोषी पाया गया और उन पर मैच फीसदी का 25% हिस्सा लगाया गया।